अभी आप जिस किंगफिशर को देख रहे हो, इसी ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। क्योंकि पहले जब बुलेट ट्रेन किसी टनल के अंदर जाती थी और जब बाहर निकलती थी तो बहुत तेज आवाज होती थी, लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि जब किंगफिशर मछली पकड़ने के लिए नदी में गोता लगाता था तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती थी। और फिर इसी पक्षी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया, जिसके कारण बुलेट ट्रेन जब टनल से बाहर निकलती तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती थी।